This is Mentors. My name is Ketan. This video is about a clarification on an email received from IIM Lucknow. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, बहुत सारा हल्ला मच गया कि अरे सर ये IIM Lucknow का शॉर्टलिस्ट आया है, 99% वाले को मिला है, 98-95 वाले को मिला है, मैं तो 99.7080 हूँ, मुझे तो आया ही नहीं है, ये क्या सीन है? एंड देन यू नो आई हैपन टू यू नो चेक दिस ईमेल्स. दिस इज वन ऑफ द ईमेल सेंट मी बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट बाय द वे. सो आई गिव यू क्लैरिफिकेशन. अगर आपको ये ईमेल मिला है करना क्या है, अगर आपके पास ये ईमेल नहीं आया है रीजन क्या है. गाइस पहली बात ये है कि ये जो ईमेल है दिस इज जस्ट ए डेटा कलेक्शन. ओके पहली बात दिस इज नॉट एट ऑल एंड सॉर्ट ऑफ यू नो एक शॉर्ट लिस्ट जो होती है GDPI के लिए, VAT के लिए, ये वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज इट्स टू अर्ली फॉर IIM Lucknow टू इवन रिलीज दिस, राइट. ये कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट कलेक्टिंग योर डेटा बेस, सॉर्ट ऑफ अ लॉजिस्टिक वाला काम है ये. आई स्पोक टू सम ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑन द कैंपस एट IIML. ये सेड दैट कि सर इतना जल्दी तो शॉर्ट लिस्ट आने के चांसेस ही नहीं है, एंड दिस ईयर इट माइट गेट डिलेड अ बिट, आई मीन मे बी अ डे और टू. द रीजन आई कैन नॉट रियली डिस्क्लोज आउट हियर गाइस. सो ये शॉर्ट लिस्ट है नहीं बिल्कुल भी, ये कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है VAT के लिए. और द ट्राइंग टू डू इज जो स्टेज 1B होता है, जहाँ पे गाइज आपको आपके VAT के जो कॉल्स दी जाती है कि यू नो वॉट कंग्रेचुलेशंस यू बीन सिलेक्टेड फॉर VAT प्रोसेस ब्ला ब्ला ब्ला, उसके लिए जो कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने की जरूरत होती है उसके लिए आपको उनका मार्कशीट होना जरूरी है, राइट. दे हैव टू हैव योर मार्कशीट विच इज द ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट, राइट. तो ये वो वाला सीन है जो एक्चुअली ये लोग पूछ रहे हैं आपको, राइट. अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो ये ईमेल आपको आना जायज सी बात है, राइट. तो अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या फिर आप सेकेंड ईयर या फिर आप थर्ड ईयर में हो और आपने कैट दिया है, सो दे आर कलेक्टिंग योर ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट और व्हाटएवर, राइट. इसका जो लास्ट डेट है भरने का वो है गाइस 10th January 5 PM. इतना वेट मत करना, कल परसों भर देना, खत्म कर देना. वाई? बिकॉज हमें पता है एंडेड में ये इश्यूज आते हैं, सर्वर डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, वो डाउन हो गया, ऑल दैट स्टफ, राइट. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज हैव टू क्लिक ऑन द गूगल फॉर्म हियर एंड गो टू द गूगल फॉर्म. ओके दिस इज टेकिंग एजेस मैन टू एक्चुअली यू नो गेट डाउनलोड. सो आई हैव दिस वन स्क्रीन शॉट विच माई स्टूडेंट हैव एक्चुअली सेंट इट अक्रॉस. आई विल एक्सप्लेन यहाँ पे क्या करना है. गाइस बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपके गूगल फॉर्म ओपन करना है, लिंक पे क्लिक करना है, गूगल फॉर्म ओपन करना है, आपका ईमेल कैट रजिस्ट्रेशन आईडी, कैट रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना है. मेक इट अ पॉइंट दैट यहाँ पे कोई भी गलती ना हो, बिकॉज अगर गलती हो तो फकअप हो सकता है. आपके एडमिट कार्ड पे जो आपका नाम है, जिस तरीके से लिखा है, जो ईमेल है, जो कैट रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे कोई टाइपो ना हो, यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल्स आपके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इसके आगे उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आपका मार्कशीट नहीं मिला है, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो आप अपने सेमेस्टर के जो परसेंटेजेस हैं, अगर आप परसेंटेजेस वाले बच्चे हो, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी अगर परसेंटेजेस है, फिर अगर आप बोर्ड परसेंटेजेस लेते हैं तो वो परसेंटेजेस डाल देना. लेटेस्ट सेमेस्टर हो तो लेटेस्ट सेमेस्टर का डाल देना. CGPA पूछा हो तो सेकेंड ईयर का डाल देना, फिर थर्ड ईयर का डाल देना अगर आपने अभी तक वो सबमिट नहीं करा होगा, राइट. सो गाइज जो डेटाबेस ये लोग मांग रहे हैं वो आपका यही है मार्कशीट का. एंड मेरे ख्याल से व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट एंड में ना एंड ऑफ द फॉर्म आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया है जहाँ पे आपको ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, राइट. सो मेक इट अ पॉइंट दैट आप डेटाबेस में वो अपलोड करो. अपलोड करने के लिए भूलना बिल्कुल भी मत, राइट. ये छोटी सी चीज़ आपको करनी है जो IIM Lucknow ने ये करी है. ये लास्ट ईयर नहीं हुआ था यार, ये पहली बार ही हो रहा है मेरे ख्याल से. अगर मैं इनका थोड़ा सा वियर्ड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है अगर वो आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक दो मिनट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. गाइज IIM Lucknow का जो आपका कंपोजिट स्कोर होगा, आपका जो कट ऑफ होगा ओवरऑल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपका 85 85 85 होगा, ओवरऑल आपका 90 चाहिए. ओके तीन प्रोग्राम है, PGP ABM SM, आपका प्रॉपर MBA फ्लैगशिप, देन आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, एंड यू हैव दिस SM, राइट. आगे चलेंगे, ये आपके कट ऑफ से जो आपको देखने हैं, अगर आप इसके रेंज में हो देन यू आर गुड. आपका एक लेवल तो अच्छा खासा हो चुका है, एटलीस्ट फॉर VAT PI, फाइन. आगे चलेंगे, अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज इनका क्राइटेरिया जो है ना, इनकी ना एक एक्सेल स्प्रेडशीट आती है हर साल, और एक्सेल स्प्रेडशीट में पूरा का पूरा कंपोजिट स्कोर दे देते हैं. मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 2000 लोगों को ये कॉल्स देंगे, 2000 या फिर 2200 बच्चों को ये कॉल्स देने वाले हैं. अब थोड़ा सा अगर हम इनको देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम स्केल स्कोर वगैरह के बारे में देखेंगे, इनका 60% वेटेज दिया जाता है जहाँ तक तुम्हारा कैट का सवाल है. दैट इज़ ह्यूज, एक्चुअली दैट इज़ ह्यूज, 60%. ओके दिस इज हाउ दे कैलकुलेट. इस कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं फोड़ना है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. वेर समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग एज फार एज योर HSC एंड योर ग्रेजुएशन मार्क्स का कंसर्न, ये 10th कंसिडर नहीं करते हैं, ये 10th कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है. दिस एज पर द रिवाइज ऑन 27th
आई मीन ये सेम ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एक्चुअली 10th नहीं कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए गाइस, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लोग ना एक्चुअली आपका परसेंटाइल लेते हैं, 12th के लिए ये लोग आपका परसेंटाइल लेते हैं, जहाँ पे दे टेक इन टू कंसिडरेशन द रिस्पेक्टिव बोर्ड एंड द डिसिप्लिन, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आई थिंक आई एम बैंगलोर एंड आई एम लखनऊ डज दैट, सो एवरीबडी विल बी कंपेयर्ड एज फार एज दे आर परसेंटेज और सी जी पी इज कंसर्न। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मार्क्स अलॉट होंगे। मैंने इसलिए कहा यहाँ पे हमें अपना दिमाग नहीं डालना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। माइंड यू, दिस इज नॉट परसेंटेज, इट्स अ परसेंटाइल, राइट। आगे चलेंगे, 80-85 जो भी है, अगर आप हाइएस्ट कैटेगरी पे जाते हो आपको 10/10 यहाँ पे अलॉट होने वाले हैं, राइट। ग्रेजुएशन मार्क्स का भी इनका सेम फंडा है, अगेन विल नॉट गेट इन टू दैट कैलकुलेशन, बट यू कैन अंडरस्टैंड वेर डू यू स्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड द वेट इज दैट इज बिन गिवन, विच इज अराउंड अबाउट 10। वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको मिलेंगे, लेस देन 6 मंथ्स होगा तो विल नॉट बी कंसिडर, एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव 6 मंथ्स विल बी कंसिडर, राइट। अगेन अकॉर्डिंग टू योर वर्क एज, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, वॉट एवर यू हैव विल बी गेटिंग द मार्क्स। द गुड थिंग हियर इज दैट यू विल बी गेटिंग डाइवर्सिटी फैक्टर एंड यू विल बी गेटिंग एकेडमिक डाइवर्सिटी ऑल्सो, तो आपको जेंडर डाइवर्सिटी भी मिलती है और आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी, दोनों चीज़ें मिलती है। मैं एग्री के बारे में अगर मैं बात करूँ और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अगर मैं बारे में बात करूँ, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड पीजीपी 5-5 मार्क्स एग्री के लिए यहाँ पे ज़्यादा होता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर मैं एग्री का बिजनेस रन, एक कोर्स एग्री बिजनेस का अगर कोर्स मैं रन करता हूँ, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्री बैकग्राउंड, तो वहाँ पे मैं 20% वहाँ पे वेटेज ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, राइट। वहाँ पे मैंने वर्केज बिल्कुल भी नहीं दिया है। सो गाइज यहाँ पे आपका एक कंपोजिट स्कोर निकाला जाएगा, इस कंपोजिट स्कोर के ऊपर आपको कॉल्स दिए जाएंगे बैक पी आई के, आपको एक ईमेल शूट होगा जहाँ पे आपको इनविटेशन आएगा कि नो व्हाट यू बीन सिलेक्टेड। इनकी एक एक्सेल स्प्रेडशीट आएगी, वो एक्सेल में आप एक्चुअली अपना बैट पी आई का जो भी कंपोजिट स्कोर है यू कैन एक्चुअली चेक दैट आउट। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर आई एम लखनऊ, आई विल बी ऑलवेज अराउंड, आई विल बी हेल्पिंग यू, थोड़ा लेट होगा बट यू नो स्टिल आई विल बी हेल्पिंग यू टू काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि यार क्राइटेरिया क्या है। आई वॉज मिडल ऑफ माई लेक्चर्स विद माई किड्स, सो मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको समझने के लिए और यू नो आपका ये वीडियो बनाने के लिए, बट डेफिनेटली इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब, एंड वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स क्रेजी ऑन GDPI। लास्ट ईयर सॉरी लास्ट येस्टरडे वी हैड 3 आवर्स का सेशन, आज भी मनोहर सेशन ले रहा है, ही इज़ फ्रॉम FMS। बाय द वे वी हैव अराउंड अबाउट 4 मेंटोर्स फ्रॉम IIM लखनऊ इटसेल्फ, अराउंड अबाउट 4 मेंटोर्स फ्रॉम IIM लखनऊ इटसेल्फ। लास्ट ईयर वी गॉट 27 स्टूडेंट्स एडमिटेड इन टू IIM लखनऊ ओनली फ्रॉम CDC मेंटर्स, 27 बच्चों ने IIM लखनऊ को फोड़ा है। सो इफ यू विश टू जॉइन इस फॉर GDPI वैट पी आई के बारे में, आई मीन जब भी आपका ये शॉर्टलिस्ट आएगा एंड इफ यू वॉन्ट जॉइन फॉर वैट पी आई, मेरे कुछ वीडियोज भी आएंगे GDPI के लिए। आई एम नॉट श्योर आप कौन से क्लासेस के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, बट एक सेकेंड थॉट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज माई कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक। सो टुमारो एंड आफ्टर टुमारो आई बी पुटिंग कपल ऑफ वीडियोज ऑन GDPI और वैट पी आई विच विल डेफिनेटली गिव यू लिटिल बिट डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो सब्सक्राइब करके रखो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू बाय इट, सब्सक्राइब करो, सुनो, कंटेंट देखो, आपको पता चलेगा दैट हाउ GDPI और बैट पी आई इज नाउ चेंजिंग द शेप। फाइन, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा, जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हुआ है। अगर ये ईमेल आपको आया नहीं है आप लोड ना लो, टेंशन ना लो, इट मीन्स आपका कोई डेटा उनको नहीं चाहिए, ऑल योर डेटा दे हैव, ओके, आपका पूरा डेटा उनके पास है, नॉट एट ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ओके। बट हाँ, ईमेल आया है, एक्ट ऑन इट इमीडिएटली एंड वेट फॉर द फाइनल शॉर्टलिस्ट। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस हेल्प्स, स्टे ट्यून्ड टू सीडीसी मैटर्स, टेक केयर, बाय बाय।